हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि उसमें बेहतरीन स्टॉक्स का समावेश हो और वो पोर्टफोलियो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करे, हमें अच्छे रिटर्न देने की संभावना हो। वो उसी तरह की प्रक्रिया है कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे टॉप 11 प्लेयर्स को हम जगह देते हैं ताकि भारत की टीम जीत सके दूसरे टीम के खिलाफ। उसी तरह से हमारे स्टॉक में भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो कोई भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जो रहता है वो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है। तो ऐसे ही एक स्टॉक को हम लेके आए हैं स्टॉक ऑफ द वीक में, जिसकी हम ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे ताकि उस खिलाड़ी के पोटेंशियल को समझ सकें, और उसके बाद प्राइस चार्ट के ऊपर में चलेंगे जहां उसकी टेक्निकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में उस स्टॉक के परफॉर्म करने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो स्टॉक ऑफ द वीक में इस वीक का स्टॉक है अरबिंदो फार्मा का शेयर। इस स्टॉक को पिछले एक साल में देखें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इसने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से 14.4% से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने एक शानदार परफॉर्मेंस दर्शाया है और निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को 35.5% से आउट परफॉर्म किया है। ये स्टॉक बहुत कम वोलेटाइल है। इसका बीटा जो है पिछले एक साल का सिर्फ 0.84 है। इसका मतलब ये बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से भी कम वोलेटाइल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्टॉक के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले इस स्टॉक के प्रति मार्केट के रुझान को देखते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि पिछला क्वार्टर जो मार्च 2023 में समाप्त हुआ तो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या परिवर्तन आया, इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इस पिक्टोरियल डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो प्रमोटर्स ने अपने प्लेज को बढ़ाया है बाय 1.75%। तो टोटल प्लेज जो है वो 17% पे प्रमोटर का पहुंच गया है। वहीं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफपीआई की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बाइंग आती हुई नजर आ रही है, और मार्च क्वार्टर में भी उन्होंने बाइंग की है। और अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो म्यूचुअल फंड में भी पिछले क्वार्टर में बाइंग आती हुई नजर आई है। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है ऑरो फार्मा के शेयर के प्रति। अब ऑरोविंदो फार्मा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी की सेहत तो अच्छी होनी चाहिए ना, अगर हमें स्टॉक को चयन करना है और अपने पोर्टफोलियो में उसे जगह देनी। तो अगर इसके शॉर्ट टर्म असेट को देखें तो वो काफी अधिक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से, तो यहां पर ये ठीक नजर आ रहा है। वहीं डेट इक्विटी रेशियो पर नजर डालें, इस पिक्टोरियल डायग्राम को ध्यान से देखें, जहां ब्लू कलर की लाइन इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रही है और रेड कलर की लाइन जो है वो डेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 17.6% है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी के पास कैश अधिक है और डेट कम है, और इसके अलावा डेट का जो ट्रेंड है वो रिड्यूसिंग है। पिछले 5 साल के दौरान जो डेट इक्विटी रेशियो 45% पे था, अब घट के 17.6% पे आ गया है। इसके अलावा जो डेट है कंपनी का वो प्रॉपरली कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, और डेट के ऊपर में जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी प्रॉपरली कवर्ड है कंपनी की अर्निंग से या इबिट से। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ अरबिंदो फार्मा की अच्छी नजर आ रही है। अब अरबिंदो फार्मा के ग्रोथ एनालिसिस करते हैं कि ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है। तो इसकी जो अर्निंग है एनुअल अर्निंग वो 18.5% से ग्रो करने की संभावना है आने वाले सालों में। वहीं रेवेन्यूज जो है वो 8.1% से ग्रो करने की संभावना है। तो अर्निंग्स के टर्म्स में देखें तो करीब करीब इंडियन ब्रॉडर स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसके करीब करीब बराबर नजर आता है, ऑल्दो इंडस्ट्री से थोड़ा कम नजर आता है। वहीं रेवेन्यू में देखें तो रेवेन्यू का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो इंडस्ट्री और मार्केट से कम नजर आ रहा है।
अब अरविंदो फार्मा शेयर के वैल्यूशन को चेक करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस में ये अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है या ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो सबसे पहले पेग रेशियो को चेक करते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ फोरकास्ट अच्छा है दोस्तों। तो अगर पेग रेशियो को देखें तो ये 0.9 है, तो ये वैल्यूशन में अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब चलिए दूसरे पैरामीटर्स पर इसके वैल्यूशन का आकलन करने की कोशिश करते हैं। अब अरबिंदो फार्मा का जो पीई रेशियो है वो 17 है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है वो 26.2 है। तो इस पैरामीटर में ये वैल्यूशन में ठीक नजर आ रहा है। अब चलिए इसको प्राइस टू सेल्स रेशियो पे चेक करते हैं। तो यहाँ प्राइस टू सेल्स रेशियो अरबिंदो फार्मा का 1.4 है, जबकि इंडस्ट्री का 1.9 है। तो यहाँ पर भी ये वैल्यूशन में ठीक नजर आ रहा है। चलिए आप इसके प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करते हैं। तो पीबी रेशियो को अगर देखें तो अरबिंदो फार्मा का पीबी रेशियो है 1.3, जबकि इंडस्ट्री का है 2.5। तो ये तीनों पैरामीटर्स में ये वैल्यूशन में ठीक नजर आ रहा है। चलिए अब एक नजर और डालते हैं और अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं कि इसकी फेयर पी रेशियो सिंपली वॉल स्ट्रीट ने क्या कैलकुलेट की है और करंट पी से वो कैसे कंपेयर करता है। तो सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी को कैलकुलेट किया 30.2 और करंट पी इसका है 17। तो इसका मतलब इस पैरामीटर में भी वैल्यूशन में ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है। चलिए अब इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू प्राइस से समझने की कोशिश करते हैं। तो अरबिंदो फार्मा का शेयर करंटली जो ट्रेड हो रहा है वो करीब 581 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, जबकि इसकी फेयर वैल्यू जो है सिंपली वॉल स्ट्रीट ने कैलकुलेट की है 793.08। तो ये स्टॉक करीब 26.8% अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो जैसा हमने देखा कि अलग अलग पैरामीटर्स पे ये वैल्यूशन में ठीक नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट के ऊपर में, यहाँ अरबिंदो फार्मा शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करके बाकी संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अरविंदो फार्मा शेयर के टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मंथली प्राइस चार्ट से। इसका सिंबल है ऑरो फार्मा। अब यहां पर गौर से देखें दोस्तों, पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं कि इस स्टॉक में कितने बड़े रिटर्न देने का पोटेंशियल है, इसने हिस्टोरिकली किस तरह का रिटर्न दिया है। जब भी एक डाउन ट्रेंड की समाप्ति होती है, ये दो डाउन ट्रेंड को देखें और इसके बाद में प्राइस में एक अपसाइड मूव नजर आता है, एक अपसाइड मूव नजर आता है जो बहुत सिग्निफिकेंट मूव होता है। अगर हम रिटर्न को चेक करने की कोशिश करें तो इस स्टॉक ने इस बेयर मार्केट के बाद में ये रिटर्न दिया और ये रिटर्न तकरीब 1200%, बहुत कम पीरियड में दोस्तों। अगर इसके पीरियड को हम चेक करने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये रिटर्न था सिर्फ 26 ट्रेडिंग महीने के दौरान। तो ये सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। चलिए अब यहाँ पर दूसरे इंपल्स की बात करते हैं। ये ट्रेंड लाइन की समाप्ति हुई और इसके बाद इसने कितना रिटर्न दिया, तो इसने 1900% का, 1900% से अधिक का रिटर्न दिया। और ये कितने पीरियड में दिया दोस्तों, इसने ये करीब दिया इसने समथिंग अराउंड 47 ट्रेडिंग मंथ्स। तो जब इस स्टॉक में एक मोमेंटम डेवलप होता है तो एक बहुत बड़े रिटर्न देने की संभावना बनती है। अब एक नजर डालते हैं कि जब करेक्शन होता है, ये मेजर करेक्शन, तो प्राइस कहाँ सपोर्ट लेती है। ऐसे में 144 पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे ध्यान से देखें तो प्राइस ने सपोर्ट लिया ऐसे में 144 और ऐसे में 200 के जोन में। और रीसेंट टाइम में भी अगर ध्यान से देखें तो इसने ऐसे में 200 और ऐसे में 144 के जोन में सपोर्ट लेके बाइंग आ रही है। अब रीसेंट टाइम में प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने करीब डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है। ट्रिपल बॉटम कैसे हुआ दोस्तों, पहला बॉटम ये है, दूसरा बॉटम ये है, तीसरा बॉटम ये है, और ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट से बाउंस बैक है। इसके अलावा गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है कि अपसाइड मूव में
पिछले 3 महीने से लगातार बाइंग आ रही है। तो ये थ्री व्हाइट सोल्जर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण कर रहा है। वैसे करंट मंथ जो अप्रैल का महीना है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन थ्री फोर्थ मंथ समाप्त हो चुका है, तो हम वर्चुअली बोल सकते हैं इवन करंट मंथ में भी 13.5% की एक बढ़ोतरी ये दर्ज कर चुका है, रिटर्न ये दे चुका है। तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं ताकि हमको अपकमिंग स्ट्रेंथ का पता लग सके? यहाँ देखिए, प्राइस का सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, तो वर्चुअली देखा जाए तो अपसाइड मूव में इसे रेजिस्टेंस का सामना करना था। ये करीब लेवल है 507 से 544 का, ये लेवल है जो ये बैंड है, लेकिन इसके ऊपर में एफर्टलेसली ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंटली जो ट्रेडिंग हो रही है वो EMA 21 के ऊपर में ट्रेडिंग हो रही है। तो ये तो बात सही है कि इस जगह पे इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो प्राइस तो एक स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाएगी नहीं। इसके पहले क्या हुआ था, यहां पर एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और ये ब्रेकआउट फेलियर साबित हुआ और एक मासिव करेक्शन इस स्टॉक में देखा गया। तो क्या अब इसके करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है? तो चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और वीकली प्राइस चार्ट में इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए दोस्तों, इसका डाउन ट्रेंडिंग मूव था, प्राइस स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का प्राइस स्ट्रक्चर था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब प्राइस स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट में अगर देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंच रहा है, तो करेक्शन की संभावना तो रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं। इस जगह में ये जो बैंड है, ये एंटायर बैंड सप्लाई बैंड है, बट इस तरह के रेजिस्टेंस का तो हमें सामना करना पड़ेगा, स्टॉक को भी सामना करना पड़ेगा, तो एक चांस लेने की बात बनती है। स्टॉक मार्केट जो गेम है वो प्रोबेबिलिटीज का गेम है, फंडामेंटल्स अगर सही है और उसके बाद टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद एक रिवर्सल की प्रक्रिया चालू हो रही है, तो बहुत सिग्निफिकेंट है। रीसेंट टाइम में जो इंपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर देखें तो वॉल्यूम में सर्ज नजर आ रहा है और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कहीं अधिक है, जो इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है स्टॉक में वो मार्केट में रुझान को इंडिकेट करता है, बाइंग आती हुई नजर आ रही है। तो अब हम ये बोल सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन बैंड जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब आने वाले समय में 507 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अब इस स्टॉक में रिस्क कम है, रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक हो सकता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और रीसेंट प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है और यहां पर सिंस ये डाउन ट्रेंड में था, यहां हम देख सकते हैं सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस स्लोपिंग डाउन थे और हायर लो लोअर हाइज एंड लोअर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर था। अब क्या हुआ, EMA 21 ने पहले EMA 55 को क्रॉसओवर किया, पहला इंडिकेशन मिला कि शायद ट्रेंड रिवर्सल की संभावना हो सकती है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां ध्यान से देखिए, EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर किया और EMA 55 ने अब SMA 200 को भी क्रॉसओवर कर लिया है, तो वर्चुअली गोल्डन क्रॉस हो गया है और स्लोप देखिए मूविंग एवरेज का, SMA 144 का जो स्लोप डाउनवर्ड था वो फ्लैट होके अपसाइड टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल है। अब हमें चाहिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? तो चलिए एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां देखिए ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। मैं पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये आप देखिए, यहां पर प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ। इसको गौर से अगर देखने की कोशिश करें तो मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं जिससे आपको और आइडिया मिलेगा, और वो ट्रेंड लाइन मैं खींच रहा हूं, ये आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैं इस तरह से खींच रहा हूं, राइजिंग ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखिए,
ये ट्रेंड लाइन जो थी ये प्राइस का रेजिस्टेंस थी, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, जो कि कॉन्फ्लुएंस था SMA 233 का भी और SMA 200 का भी। इसका मतलब ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, और राइजिंग नेकलाइन होने से क्या एडवांटेज है कि अब ये ट्रेंड लाइन को हम एक रेफरेंस लाइन मान सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू के लिए, जो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैनेज करने में, रिस्क को मैनेज करने में मदद करेगी। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि अगर इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो फिलहाल प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड हो रही है। ऑफ कोर्स प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, यहां आप ध्यान से देखें प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट टर्म में टारगेट कहां पे निकल के आता है? पहले तो ये समझते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट हुआ था इसका टारगेट कहाँ निकल के आता है। तो ये देखें इसने 100% एक्सपांशन के टारगेट को अचीव करके लॉस ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर इस राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए मैं राउंडिंग पैटर्न का अब टारगेट निकालता हूं, ये टारगेट मैं इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पर निकाल रहा हूं, तो अगला टारगेट इसका 750 आता है और उसके बाद टारगेट आता है 870 के आसपास। तो टारगेट्स जो होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के, वो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ट्रेंड को राइड करना, और कब तक ट्रेंड को राइड करना? जब तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर ना आए। क्या यहाँ पर कुछ और प्राइस एक्शन को हम समझ सकते हैं? मैं एक और ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये देखिए मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींची। अब क्या समझ में आ रहा है? ये ब्यूटीफुल बेस है और इस राइजिंग वेज का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो हम ये वर्चुअली बोल सकते हैं ये दोनों ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की संभावना है आने वाले समय में। अब यहाँ पर मोमेंटम की स्टडी करते हैं, तो यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गया है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। क्लियर कट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये हायर हाइज का फॉर्मेशन है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर में हायर हाइज नहीं है। इसका मतलब एक माइनर सा बेरिश डाइवर्जेंस है, इसका मतलब एक करेक्शन की संभावना हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो वैसे भी रीसेंट टाइम में ये पैराबोलिक राइज है, तो करेक्शन होके ये कहाँ आ सकता है? ये देखिए ये जोन है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ EMA 21 है, तो हम बोल सकते हैं 540 से लेके 545 का जो जोन है वो डिमांड एरिया है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे उसे हम वैल्यू जोन भी बोल सकते हैं, जहां अगर ये स्टॉक मिले तो इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन होगा, या लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए सोच रहे हैं तो आप देखिए उस लेवल में करेक्ट भी होता है तो अभी कितना ऊपर है? करीब ये 9% ऊपर है। इसका मतलब हम यहाँ पर थोड़ा दिन इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 9% काफी बड़ा इंपल्स होता है, तो एक बार प्राइस इस जोन में जाके जाने के बाद यहाँ से करेक्शन की संभावना बहुत अधिक है। प्राइस का रेजिस्टेंस है, अगर बहुत ऊपर चला गया तो 616 तक जा सकता है, फिर इसे मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच से कभी भी इसमें करेक्शन हो सकता है, और करेक्शन समाप्त होने के बाद पहली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जब निर्माण हो तो हम उस कैंडल को आधार बना के उसके हाई के ऊपर में एंट्री कर सकते हैं, एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू ले सकते हैं, क्योंकि तो हमने देखा कि जब ये स्टॉक रिटर्न देता है तो दिल खोल के रिटर्न देता है दोस्तों। तो चलिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में इसके टारगेट को समझते हैं कि अगला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। तो अगला मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ प्राइस का, ये मल्टीपल रिजेक्शन है। तो अगर मैं इसको सेफर तरीके से इस रेजिस्टेंस लाइन पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींची जो 780 के आसपास में निकल के आती है, तो करंट मार्केट प्राइस से उस लेवल तक अभी भी 25% का कुशन है। तो हमें क्या करना है? ट्रेंड को राइड करना है, और जहां पे क्रिटिकल जोन में प्राइस पहुंचे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, टाइट कर देना है, ताकि प्रॉफिट को प्रिजर्व भी कर सके और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख सके। एक बार इसका ये जो लाइन है, जो रेड कलर की लाइन जो मैंने खींची है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया
तब संभावनाओं को जानते हैं कि क्या पॉसिबल टारगेट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद ये डबल बॉटम है, इसका भी ये ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो चलिए, अगर ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है तो इसका क्या टारगेट निकलता है ये निकालते हैं। तब इसका टारगेट दोस्तों 1700 का टारगेट निकल के आता है। तो यहां पर क्या पॉसिबल रिटर्न की संभावना है करंट मार्केट प्राइस से, तो यहां देखें तो ये दोस्तों अगेन 180% रिटर्न देने की क्षमता है। बट क्या वो वहां पर रुकेगा, तो ये तो अभी कहना मुश्किल है। हम कर क्या सकते हैं, हम टेक्निकल स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं और ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, ताकि हमको फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड तो मिल रहा है टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार। ओनली थिंग है कि अभी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, थोड़ा करेक्शन का इंतजार करने के बाद जब प्राइस इस वैल्यू जोन में आ जाए, एक बार यहाँ पे प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है इस जोन में, एक बार प्राइस आ जाए, मीन रिवर्जन एक बार कंप्लीट हो जाए, तब बेहतर एंट्री होगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने दो बातें सीखी होंगी, एक तो अरबिंदो फार्मा शेयर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी, नंबर टू जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें ये सीखने का मौका लगा होगा कि किस तरह से एनालिसिस करने की प्रोसेस होती है, क्या हमें फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, कैसे टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन को समझना चाहिए और प्राइस एक्शन को समझ के हम टेक्निकल एनालिसिस को कर सकते हैं। वैसे आपके चैनल पे जीरो टू हीरो की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।